बात कर लेते हैं बाढ़ से मची हाहाकार की। पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हाहाकार मचा है। बारामूला में बादल फटने से तबाही हुई तो वहीं जोशीमठ में सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। जंगलों के बीच पहाड़ी के ऊपर पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ आ रहा है। पानी का ये प्रलयंकारी बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इन तस्वीरों को देखिए, पानी की धार चट्टानों का सीना चीर कर आगे बढ़ती गई। बारामूला के हमाम मरकुट गांव में बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब की तस्वीरें देखकर हर कोई ठिठक गया। अचानक आए सैलाब की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट रास्ते में फंस गए। तस्वीरों को देखिए, यहां गुजरते सैलाब को लोग खड़े होकर देख रहे हैं। एक दो नहीं, बड़ी संख्या में लोग जंगल में मौजूद हैं। सैलाब की वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्टों के साथ वो लोग भी फंस गए जो जंगल में काम करने गए थे। हम यहाँ मरकुट के, हम मरकुट के रहने वाले हैं और यहाँ ऊपर बारिश हुई, यहाँ लोग गए थे, नीचे मजदूरी के लिए गए थे और वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में ये सैलाब आ गया, ऊपर पहाड़ी फटकर आ गई और यहाँ रोड बंद हो गया। राहत की बात ये रही कि किसी ने इस सैलाब को पार करने का जोखिम नहीं उठाया और सभी की जान बच गई। हालांकि पानी के तेज बहाव की वजह से फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर टूटी है। बुधवार को भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में फूलों की घाटी में बनी एक पुलिया टूट गई, जिससे करीब 140 पर्यटक रास्ते में फंस गए। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इन तस्वीरों में देखिए, पानी के तेज बहाव के ऊपर लोहे के ऊपर से कैसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। रेगिस्तान की धरती इन दिनों पानी पानी है। भारी बारिश के चलते राजस्थान के धौलपुर से लेकर सीकर तक सड़कों पर सैलाब का मंजर देखने को मिला। आसमान से बरस रही आफत ने रेगिस्तान को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां बुधवार को हुई तेज बारिश से पूरा बाजार जलमग्न हो गया। धौलपुर शहर के जगन चौराहे से लेकर 70 रोड तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। दो घंटे लगातार हुई बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, पानी के बीच ऑटो बंद हो गया और उसे धक्का देकर किसी तरह बाहर निकाला गया। ऑटो ही नहीं, बाइक हो या फिर स्कूटी सवार, हर कोई सड़क पर भरे पानी के बीच जूझता रहा। यही नहीं, सड़क पर जमा पानी आसपास के दुकानों में घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, दुकान के भीतर तक पानी भर गया है, सीढ़ियों के पास तक पानी पहुंच चुका है और लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। दुकान हो या मकान, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। गलियों में भी पानी घुस गया। धौलपुर जैसा हाल राजस्थान के सीकर में भी देखने को मिला, जहां बुधवार शाम हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। सीकर का नवलगढ़ रोड पर तालाब जैसा हाल हो गया, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। सीकर शहर के पिपराली रोड स्टेशन से लेकर सूरज पोल गेट तक निचले इलाकों में पानी से लबालब हो गए।
इन तस्वीरों को देखिए, दुकानों के बाहर सड़क पर पानी भरा है, पूरा सन्नाटा पसरा है। दुकानों के गेट का निचला हिस्सा भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की वजह से सीकर के लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बात कर लेते हैं एमपी की, जहां भारी बारिश हो रही है। ऐसे में अलग अलग जिलों से सैलाब की तस्वीरें आ रही है। इस बीच भिंड से जो तस्वीर आई उसने सैलाब की सतह के साथ साथ अवैध खनन की भी पोल खोल दी। पानी का तेज बहाव है और उसके बीच ट्रक फंसे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, वो भी एक दो नहीं सैकड़ों ट्रक दिखाई देंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां लहार इलाके के पर्यायच गांव में रेत खनन का काम चल रहा था, तभी भारी बारिश और सिंध नदी में आए सैलाब की वजह से खदानों में पानी भर गया, जिससे वहां खड़े ट्रक फंस गए। देखिए ट्रक के नीचे पानी कितनी तेजी से बह रहा है। रेत की खदान होने की वजह से ट्रक नीचे धंसते चले गए। कुछ ट्रक ड्राइवर समय रहते पानी के बहाव से होते हुए अपना ट्रक निकाल कर ऊपरी हिस्से में चले गए, लेकिन ट्रक सैलाब में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि यहां अवैध खनन का काम चल रहा था और बारिश ने अवैध खनन माफियाओं की पोल खोल दी। अवैध खनन के दौरान सैकड़ों ट्रकों में मौजूद ड्राइवर और हेल्पर सैलाब में फंस गए, लिहाजा ट्रक ड्राइवरों ने एक दूसरे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर कई ड्राइवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान थोड़ी ऊंचाई पर खड़े लोग वीडियो बनाते रहे और अवैध खनन के इस खदान में पोल खोलने के साथ रेस्क्यू की तस्वीरें भी दिखाते रहे। हैरानी की बात यह है कि भिंड में सिंध नदी में खनन पर पूरी तरह पाबंदी है, इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। ये हाल तब है जब हरियाणा में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान ले ली। सवाल ये है कि शिवराज के राज में ये क्या हो रहा है? प्रशासन की नाक के नीचे खनन का खेल खेला जा रहा है। क्या ये सारा खेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? एमपी के बाद अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के सूरत में उकाई बांध से छोड़ा गया पानी नदी किनारे तबाही मचाने लगा है। बड़ी संख्या में यहाँ झुग्गियां पानी में डूब गई है। तापी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लोगों को डराने के साथ साथ डुबोने भी लगा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां तापी नदी के तट पर डक्का ओवारा में बनी झुग्गियां पानी में डूब चुकी हैं। झुग्गियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसे में झुग्गियों में रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि उकाई डैम से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से तापी नदी में उफान आ गया है और आसपास के इलाके डूबने लगे हैं। राहत की बात यह है कि डैम से पानी छोड़े जाने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सैलाब में लोगों के आशियाने डूब गए और तटीय इलाकों में खड़ी गाड़ियां भी डूबने लगी। ऐसे में बारिश भी लोगों की मुसीबत बढ़ाने लगी है। सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो मुश्किल भी बढ़ेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।